हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने पीसी या कंप्यूटर में या लैपटॉप में जिप फाइल कैसे बनाएंगे, अपनी किसी भी फाइल को जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिप फाइल होती क्या है। जिप फाइल जो होती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती है। जहाँ आपकी फाइल जो ज़्यादा MB की होती है, ज़्यादा GB की होती है, एक तो उसको कम स्पेस में कन्वर्ट करती है, दूसरा आपकी जो काफ़ी सारी जो फाइल होती हैं उनको सिर्फ एक ही फाइल के अंदर कन्वर्ट करके आपको देती है, बिल्कुल सेफ जिप फाइल के अंदर। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रही है, इस तरह से एक जिप फाइल आपको बनती है। आप उसे कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। आपको उसे नेट पर अपलोड करना है या आप किसी को उसे ईमेल करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी फाइल हैं बट लेकिन आप सारी फाइल्स को ऐसे ईमेल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप उसकी एक जिप फाइल बना के और बिल्कुल सेफ तरीके से, बिल्कुल सेफ होती है, इसको आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जिप फाइल कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है। और मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आप पर आपके पास काफ़ी सारी फाइलें हैं तो आप उसकी जिप फाइल में कन्वर्ट करके ज़रूर रखें, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। और आप इस पर अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं जिससे आपको कोई भी आपकी फाइल को मिसयूज़ ना कर सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जिप फाइल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रखे हैं यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स अपनी जो है ओपन की हुई हैं। ये मेरे कुछ फोल्डर्स हैं और मैं चाहता हूँ इनकी जिप फाइल बनाना। आप भी किसी भी तरह की आपकी फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, जो भी आप वर्क करते हो, इमेज हो, मूवीज़ हो, सॉन्ग हो, किसी की भी आप एक जिप फाइल बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप उस पर। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जो ऑल वीडियोस हैं, ये मेरी वीडियोस हैं, जो मेरे मेरे यूट्यूब की वीडियोस हैं, मैं इनको एक जिप फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही जिप फोल्डर में सारी की सारी फाइल जो हैं सेव हो जाएँ, कन्वर्ट हो जाएँ जिप फाइल में। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 5 फाइल हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे भी शो कर रहा है 5। तो आपको क्या करना है, आप इन सभी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आप इतना अपने माउस से इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू में आना है। सेंड टू में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ डिवाइस, उसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं कंबेस टू जीपेड फोल्डर, आपको इस पर क्लिक कर देना है बस, और आपने कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए हमारी जिप फाइल जो है बननी स्टार्ट हो गई है। अभी जो हमारी जो सारी फाइलें हैं वो एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगी और मैं इसे कहीं भी अपलोड कर सकता हूँ, नेट पर अपलोड कर सकता हूँ, इसे ईमेल कर सकता हूँ, किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरी बन गई जिप फाइल और इसे बिल्कुल खोलना भी बिल्कुल आसान है। आप इसे यहाँ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये देखिए ये रही हमारी फाइल्स। आप अगर किसी फोल्डर की, अगर आपका ये फोल्डर है, जैसे मेरे पास ये फोल्डर है, अगर आप इसकी जिप फाइल बनाना चाहते हैं तो भी आपको यहीं करना है, सेंड टू में आना है। सेंड टू में यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसके बाद क्लिक कर देना है, ये बन गई आपकी जिप फाइल। इस तरह से आप अपनी कई सारी फाइलों को एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ होती है ये, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है, आपकी फाइल के स्पेस को कम करती हैं, साइज़ में छोटी होती है, आप कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, मेल में अटैचमेंट कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह की फाइल हो आपकी, काफ़ी सारी फाइलों को एक फाइल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।